हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएन स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में पार्ट थ्री वीडियो है ये चिल्ड्रन आस्क कलाम की। पार्ट थ्री वीडियो में हम लोग रीडिंग कम्प्रीहेंशन वोकैबुलरी ग्रामर सेक्शन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप आपको यदि क्वेश्चन आंसर समझ में आएगा, एक्सरसाइज समझ में आएगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगता है आपको हमारी वीडियो। और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रीडिंग कम्प्रीहेंशन समझ बूझ करके पढ़ना, ये नीचे दिए गए क्वेश्चन है, इनके आंसर हमें बताना है। आंसर आप को मैं बताऊंगी, आप अच्छे से ध्यान से समझते जाइए और चाहे तो उसको आप अपनी नोटबुक में भी उतारते जाइए। आपके लिए ये हमारा ये चैनल इस चीज़ के लिए ज़्यादा बेनिफिट है कि आपको यदि किसी को वो होता है गाइड या कुंजी लेने में उनके पास पैसे रुपए नहीं होते हैं, अभाव होता है उनके उनके लिए, तो आप लोग हमारी इस वीडियो को देख करके आप अपना नोट्स बना सकते हैं। आने वाली वीडियो में आप लोगों को मैं नोट्स बनाने का तरीका बताऊंगी, कैसे नोट्स बनाया जाता है, हर सब्जेक्ट की नोट्स बना के मैं आपको दिखाऊंगी, हर सब्जेक्ट को भी पढ़ाऊंगी। फिलहाल अभी इंग्लिश को मैं पढ़ा रही हूं, तो आप इतना पढ़िए, उसके बाद फिर मैं आपको पढ़ाऊँगी। बहुत जल्द वीडियो डालने की कोशिश करूँगी, तो आप प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, व्हाट सजेशन डज प्रेसिडेंट कलाम गिव टू द चिल्ड्रन गिव टू चिल्ड्रन फॉर रिमेम्बरिंग फॉर्मूलाज ऑफ साइंस। चलिए जानते हैं इनके उत्तर। व्हाट सजेशन डज प्रेसिडेंट कलाम गिव टू चिल्ड्रन फॉर रिमेम्बरिंग फॉर्मूलाज ऑफ साइंस। व्हाट सजेशन, क्या सजेशन, सलाह है प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कलाम जी का बच्चों को क्या सजेशन है साइंस के फॉर्मूले सूत्र को याद करने के लिए। तो यहाँ पर बच्चे ने जो क्वेश्चन पूछा था कि मैथ और साइंस के क्वेश्चन सूत्रों को हम लोग कैसे याद करें, तो उनके सूत्र को याद करने के यहाँ फॉर्मूला कलाम जी ने बताया। आंसर है, प्रेसिडेंट कलाम सजेस्टेड द चिल्ड्रन दैट बाई कॉन्स्टेंट एप्लीकेशन दे कैन रिमेंबर वेरियस फॉर्मूलाज ऑफ साइंस। राष्ट्रपति कलाम ने बच्चों को सजेस्ट किया है कि बाय कॉन्स्टेंट एप्लीकेशन, लगातार निरंतर प्रयास पुनरावृत्ति से, दे कैन रिमेंबर, आप याद कर सकते हैं वेरियस फॉर्मूलास ऑफ साइंस, विज्ञान के विभिन्न सूत्रों को आप डेडिकेशन के साथ बार बार पुनरावृत्ति से आप उनके सूत्रों को याद कर सकते हैं, ये उन्होंने बताया था। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब कलाम्स हैप्पीएस्ट डे। तो यहाँ कलाम जी के सबसे खुशी के दिन को डिस्क्राइब कीजिए, वर्णन कीजिए। आंसर है, कलाम आर वर्किंग विद डॉक्टर्स टू गेट लाइट वेट FROS फॉर पोलियो इफेक्टेड पर्सन्स व्हेन द चिल्ड्रन स्टार्टेड रनिंग वॉकिंग एंड पैडलिंग साइकिल्स विद कैरिंग 1/10 ओरिजिनल वेट देयर वर टीयर्स ऑफ देयर पेरेंट्स और टीयर्स ऑफ आइस। यहाँ पेरेंट्स आएगा ना, पेरेंट्स टीयर ऑफ जॉय इन द आइस ऑफ देयर पेरेंट्स पेरेंट्स इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ कलाम। यहाँ पास कलाम जी अपने सबसे खुशी वाले दिन को डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं कि कलाम जी जब डॉक्टरों के साथ काम कर रहे थे, पोलियो से प्रभावित लोगों के लिए हल्का वेट उठाने की प्रतिक्रिया में जब बच्चों ने चलना दौड़ना चलना और साइकिल चलाना शुरू किया स्टार्ट करने लगे, जिसका वास्तविक भार एक दहाई था, देयर वर टीयर ऑफ जॉय इन द आइस ऑफ द डियर ऑफ दियर पेरेंट्स, उनके माता पिता के आँखों में खुशियों के आंसू भर आए थे। इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ द कलाम। यही वह दिन था जब कलाम जी के सबसे खुशी का दिन था। तो उन बच्चों की इस कोशिश को देख करके, जब उनके माता पिता के आँखों में आंसू भर आए थे, इस मोमेंट को, इस
स्थिति को देख करके APJ अब्दुल कलाम जी इसी स्थिति को देख करके सबसे ज़्यादा खुश हुए थे, तो यही उनके सबसे ज़्यादा खुशी का दिन था। थर्ड है, वाई डज द प्रेसिडेंट रिमेंबर हिज क्लास टीचर सो मच। राष्ट्रपति कलाम अपने टीचर को सबसे ज़्यादा याद क्यों करते हैं? तो आंसर है, द प्रेसिडेंट रिमेंबर्स हिज क्लास टीचर सो मच बिकॉज दे टॉट द सब्जेक्ट बाय शोविंग रियल लाइफ एग्जाम्पल। राष्ट्रपति कलाम अपने टीचर, हिज क्लास टीचर, अपने कक्षा शिक्षक को सो मच रिमेंबर, बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बिकॉज क्योंकि दे उन्होंने टॉट पढ़ाया था अपने सब्जेक्ट में पढ़ाए थे बाय सोविंग रियल लाइफ एग्जाम्पल, वास्तविक जीवन की उदाहरण दिखा कर के अपने सब्जेक्ट को उन्होंने पढ़ाया, इसलिए उनको अपने क्लास टीचर बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा याद आते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवंत उदाहरण दे करके उनको और सभी बच्चों को पढ़ाया था। चौथा है, व्हाट इज करेज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम। डॉक्टर कलाम के अनुसार करेज साहस क्या है? आंसर है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम सेविंग अदर्स फ्रॉम डिजास्टर विद आउट माइंडिंग अबाउट योर ओन सेफ्टी इज करेज। अकॉर्डिंग टू कलाम, डॉक्टर कलाम के अनुसार सेविंग अदर्स, दूसरों को अपनी परवाह ना करते, विदाउट माइंडिंग अबाउट योर, अपनी परवाह ना करते हुए दुर्घटना से दूसरों को बचाना, सुरक्षित करना है स्वयं की परवाह किए बिना, तो यही क्या है? साहस है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के अनुसार साहस की परिभाषा यह है कि किसी व्यक्ति की मुसीबत में पड़े हुए व्यक्ति को खुद की परवाह ना करते हुए उनकी जीवन सेव करना, उनकी ज़िंदगी बचाना ही क्या है? साहस है। नेक्स्ट है, विच पॉइंट डू यू लाइक द मोस्ट इन द 10 पॉइंट ऑथ। इनमें से यहाँ हम लोग देखते हैं कौन सा बिंदु आपको APJ अब्दुल कलाम जी के 10 शपथ में से कौन सा बिंदु सबसे अधिक पसंद आया। तो आंसर है, आई लाइक सेकेंड ऑथ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल टीच एट लीस्ट 10 पर्सन टू रीड एंड राइट हु कैन नॉट रीड एंड राइट। तो यहाँ मुझे सेकेंड ऑथ दूसरा शपथ सबसे ज़्यादा पसंद आया। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, आगे चलकर, आई विल टीच एट लीस्ट 10 पर्सन, मैं कम से कम 10 व्यक्तियों को पढ़ाऊँगा, पढ़ना और लिखना सिखलाऊँगा, टीच सिखलाऊँगा, हु कैन नॉट, जो पढ़ और लिख नहीं सकते हैं। ये वाला ओथ, ये शपथ सबसे ज़्यादा हमें पसंद आया, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। आपको और भी इसमें से पसंद आते हैं तो और भी आप लिख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज है, लुक एट द लेसन एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। लेसन को आप देखिए अच्छे से और इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। फर्स्ट है, कलाम्स फुल नेम इस, तो कलाम जी का पूरा नाम क्या था? अबुल पकीर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम। सेकंड है, हिज बेस्ट फ्रेंड इन स्कूल वाज, तो उनके स्कूल का सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन था? यदि आप अच्छे से लेसन को पढ़े होंगे तो इनका आंसर आपको पता चल जाएगा, पक्षी रामनाथ शास्त्री। तीसरा है, हिज फेवरेट टीचर वाज श्री शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, तो उनके फेवरेट टीचर श्री शिवा सुब्रमण्यम अय्यर थे। फोर है, FROS हेल्प, ये किसके लिए हेल्प करता है, मदद करता है? पोलियो अफेक्टेड पोलियो से प्रभावित लोगों के लिए ये FROS मदद करता है। पांचवा है, करेज अकॉर्डिंग टू कलाम इज़,
तो साहस कलाम जी के अनुसार है, सेविंग अदर्स फ्रॉम डिजास्टर विदाउट माइंडिंग अबाउट योर ओन सेफ्टी इज करेज। तो साहस कलाम जी के अनुसार साहस खुद की परवाह ना करते हुए दूसरों को बचाना सुरक्षित करना ही करेज है, साहस है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है वोकैबुलरी सेक्शन। मैच द फॉलोइंग क्लू आर गिवन टू हेल्प यू टू कंप्लीट द प्रोवर्ब। जो यहाँ पास टेबल में ए और बी में प्रोवर्ब दिए गए हैं, इन प्रोवर्ब को हमें मिलाना है। वो भी यहाँ पास क्ल्यू दिया गया है, ये जो नीले नीले उसमें दिया गया है, ये सब क्ल्यू है। क्ल्यू के अनुसार हमें प्रोवर्ब को मिलाना है। तो चलिए कैसे मिलाएंगे देखते हैं। फर्स्ट है टाइनी ड्रॉप्स मेक सर्च फॉर वाटर। अब वाटर से रिलेटेड हमें सर्च करना है, तो ये क्या है, टाइनी ड्रॉप्स आ माइटी ओशन। टाइनी एक छोटी बूंद से क्या बनता है, बूंद बूंद से क्या बनता है, समुद्र बनता है, घड़ा भरता है, ऐसा इसका मीनिंग। सेकंड है आ स्टिच इज टाइम सर्च फॉर नंबर। नंबर वाला अब हमें ढूंढना है, तो क्या है, नाइन नंबर आया ना, नाइन। तो आ स्टिच इज इन टाइम इन टाइम सेव्स नाइन। फिर तीसरा एन एप्पल अ डे सर्च फॉर अ प्रोफेशन। प्रोफेशन ढूंढना है हमें, कीप्स द डॉक्टर अवे। देखो यहाँ पास डॉक्टर प्रोफेशन आया। फिर फोर है एम्प्टी वेसल्स। एम्प्टी वेसल्स सर्च फॉर नॉइस। नॉइस हमें ढूंढना है इसमें से, तो मेक मोर नॉइस। देखो एम्प्टी खाली बर्तन, मेक मोर नॉइस अधिक आवाज करते हैं, खाली बर्तन। ये क्या है, प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब मीन्स होता है कहावत, कहावत होता है, लोकोक्ति होते हैं, ये वही है। फिर पांचवा है द पेन इज सर्च फॉर वीपन। हमें शस्त्र ढूंढना है इसमें से, तो शस्त्र हथियार माइटियर देन द स्वर्ड, माइटियर देन द स्वर्ड। फिर छठवा है फेलियर इज द सर्च फॉर अचीवमेंट। अचीवमेंट ढूंढना है हमें, स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। तो फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। फिर सातवा है बार्किंग डॉग सर्च फॉर व्हाट डॉग डू। तो डॉग्स क्या करते हैं, इसको ढूंढना है, डू नॉट बाइट। तो बार्किंग डॉग्स डू नॉट बाइट। आठवा है मेक हे सर्च फॉर प्लैनेट। प्लैनेट ढूंढना है इसमें, तो व्हाइल द सन सनशाइन। मेक हे व्हाइल द सनशाइन। और फिर यहाँ नवा है ऑनेस्टी इंड द ई वाई ई, और से ई वाई से ही इंड होगा। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सी वाई होगा ना, सी वाई। तो पॉलिसी, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। टेंथ है फ्रेंड इज नीड, राइम विद फ्रेंड। राइम विद फ्रेंड का राइम इज अ फ्रेंड इंडीड। तो ये देखिए ये प्रोवर्ब है, इनको कंबाइन करके आप लोगों के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो ये मिले हुए प्रोवर्ब है, ठीक है, इसको आप लोग एक कापी में लिख लीजिएगा, एक पन्ने में या कापी में कहीं पर भी लिख लीजिएगा अच्छे से। वैसे ये एरो आपको नहीं लगाना है, मैं आपको कई बार ऐसे क्वेश्चन को बनाते समय बताई हूँ कि एरो आपको नहीं लगाना है, इनका सही आंसर नहीं के एकदम सीध में लिखना है, सीधाई में आपको एकदम इसका ऐसे सीध में आपको इनका आंसर को लिखना है। और आप लोग एक काम कीजिएगा, आप इन सारे प्रोवर्ब्स को याद कर लीजिएगा और जियो ट्रांसलेट या फिर किसी भी गूगल ट्रांसलेट में इनका मीनिंग, हिंदी मीनिंग निकाल लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा यदि आपको याद हो जाएगा। अभी मुझे ज़्यादा समय लगेगा यदि इनकी मीनिंग बताऊँ तो, ठीक है। तो चलिए इतना समझ में आ गए आपको। नेक्स्ट नेक्स्ट बी नंबर है मेक सेंटेंसेस यूजिंग द प्रोवर्ब्स गिवन टू यू इन एक्सरसाइज ए। अब जो ये एक्सरसाइज, ये डिब्बा वाले एक्सरसाइज पढ़े हैं, इनमें से कुछ कुछ प्रोवर्ब को लेकर के हमें सेंटेंस बनाना है। जैसे कि यहाँ पास फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, श्याम फॉल्स स्टिक फ्रिक्वेंटली आफ्टर टेकिंग हिम टू डॉक्टर। हिज मदर इनकरेज्ड हिम टू हैव एन एप्पल बाय यूजिंग द प्रोवर्ब एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे। यहाँ पर श्याम फॉल्स स्टिक फ्रिक्वेंटली, श्याम फॉल्स गिर जाता है स्टिक, यहाँ पास श्याम फॉल्स सिक सिक
सेकंड है मेक सेंटेंसेस यूजिंग द प्रोवर्ब्स गिवन टू यू इन एक्सरसाइज ए। एक्सरसाइज जो ये टीपे में हम लोग अभी प्रोवर्ब पढ़े हैं, इन एक्सरसाइज ए में से आप कुछ प्रोवर्ब को लीजिए या उनसे आपको आप कुछ पैराग्राफ बनाइए। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया गया है, श्याम फॉल्स सिक फ्रिक्वेंटली, श्याम जल्दी जल्दी बीमार हो जाता है। आफ्टर टेकिंग हिम द डॉक्टर, डॉक्टर के पास ले जाने के बाद भी हिज मदर इनकरेज्ड हिम, उसकी माँ ने उसे इनकरेज किया, प्रोत्साहित किया टू हैव एन एप्पल एप्पल खाने को बाय यूजिंग द प्रोवर्ब। तो इसमें यूजिंग, इसमें प्रोवर्ब क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग, एन एप्पल अ डे, हर दिन एक एप्पल खाइए, कीप द डॉक्टर अवे और डॉक्टरों से दूर रहिए। कहने का मतलब एक है, हर एक दिन एप्पल, हर दिन एप्पल खाने से आप बीमारियों के करीब नहीं जाओगे, मतलब कि डॉक्टरों से दूर रहोगे, डॉक्टरों के पास नहीं जाओगे। तो ऐसा प्रोवर्ब यूज़ करके यहाँ पैराग्राफ बनाया है। ऐसे ही प्रोवर्ब यूज़ करके हम लोग और पैराग्राफ बना सकते हैं। इनमें से एक दो पैराग्राफ मैं भी बनाई, उसको मैं आपको दिखा देती हूँ। इनमें से मैंने बनाया हुआ है, फर्स्ट है, सनी वाज फीलिंग नर्वस बाय द कमेंट्स ऑफ सम इनडिसिप्लिन बॉयज, हिज फ्रेंड इनकरेज्ड हिम बाय सेइंग दैट बार्किंग डॉग्स डू नॉट बाई। अब यहाँ पास देखते हैं, सनी वाज फीलिंग नर्वस, सनी नर्वस फील कर रहा है, घबराहट फील कर रहा था बाई द कमेंट्स ऑफ सम ऑफ इनडिसिप्लिन, जो इनडिसिप्लिन बच्चे होते हैं, जो खराब बच्चे होते हैं, वह सनी पर कमेंट्स करते हैं, मतलब कि बुरे बुरे चीज उसको, उस बच्चे को कह रहे थे। तो हिज फ्रेंड, तो उसके दोस्तों ने इनकरेज उसको समझाया, बताया कि हिम बाई सेइंग है उसके दोस्त उसको कह रहे थे कि बार्किंग डॉग्स डू नॉट बाई, मतलब कि भौंकते कूदते किसी को काटते नहीं है। कहने का मतलब ये है, कहने वाले को कहने दो, तुम अच्छा हो, तुम जानते हो, दूसरों की बातों से या कमेंट से परेशान मत हो, क्योंकि कहने वाले कुछ नहीं कर सकते हैं, और जो अपने लक्ष्य, अपने काम को अच्छे से करते हैं, वो लोग अपना काम जरूर कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट प्रोवर्ब हमने यूज किया, बार्किंग डॉग डू नॉट बाइट। सेकंड है, वंस आई एम सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, एक बार मैं मलेरिया से पीड़ित हूँ, एक बार मैं मलेरिया से पीड़ित हूँ, आई बिकम वेरी वीक, मैं बहुत कमज़ोर महसूस करता हूँ, आई कॉल माई फैमिली मेम्बर, मैंने अपने फैमिली मेम्बर को कॉल किया, बट दे ऑल हैव सम प्रॉब्लम्स टू कम, परंतु किसी कारणवश वो कुछ समस्या है उनके पास, तो आए। देन आई कॉल टू माई फ्रेंड, इसके बाद फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को कॉल किया, एज ही नोव्स माई वीकनेस, उन्होंने मेरे कमजोरी के बारे में जाना, ही केम इमीडिएटली, वो मेरे पास शीघ्रता से आए, आई इट प्रूव्ड द फेमस प्रोवर्ब, और उन्होंने मुझे एक फेमस प्रोवर्ब दिया, अ फ्रेंड इनडीड इज फ्रेंड इनडीड। तो उन्होंने क्या यहाँ पास प्रोवर्ब दिया, देखते हैं अब ये प्रोवर्ब कैसे हैं। यहाँ पर क्या किया, एक फ्रेंड है, किसी का फ्रेंड है, ठीक है, एक लड़का है, वो बीमार हो गया था, मान लो कि कोई बाहर साइड गए हैं पढ़ने के लिए, तो बीमार उमार पड़ जाते हैं, तो बहुत जल्द उनके फैमिली मेंबर उनके पास नहीं आ पाते हैं, क्योंकि उतने दूर उनको तुरंत पहुंचना मुश्किल होता है। तो इस स्थिति में उस बच्चे के, उस लड़के के दोस्तों ने उसकी मदद की, शीघ्रता से उसकी मदद की। तो इससे हमें क्या प्रोवर्ब मिलता है इसमें, कि मित्र ही मित्र के काम आते हैं, दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं, अ फ्रेंड इनडीड, मतलब मित्र ही मित्र के काम आते हैं मुसीबत के समय, जो सच्चा मित्र होता है वही मित्र का काम आएगा। तो इसमें ये प्रोवर्ब हमको दिखा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, आई फाउंड अ पर्स ऑन द रोड, मुझे रोड पर एक पर्स मिला, व्हाइल आई एम गोइंग टू स्कूल, जब मैं स्कूल जा रहा था,
देयर वॉज सम इम्पॉर्टेंट पेपर्स एंड इन विजिटिंग कार्ड इन इट, उसके अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण पेपर पत्र थे और विजिटिंग यात्रा करने के कार्ड थे. सो आई डिसाइडेड टू गो एंड रिटर्न द पर्स, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे जा कर के पर्स वापस करना चाहिए. व्हेन आई केम बैक आई टोल्ड माई मदर, इसलिए मैं घर वापस गया और अपनी माँ को बताया. व्हाट हैपेंड, क्या हुआ. सी फ्रेज्ड मे बी सेइंग दैट, तो उसने मेरी माँ ने मुझे फ्रेज किया प्रसन्नता बस मुझे मुझसे कहा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. यहाँ पर अब तीसरा स्थिति क्या बन रहा है कि एक बच्चा है जो स्कूल जा रहा है, स्कूल जाते जाते उसको रोड पर किसी का पर्स मिला. उस पर्स में कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे, महत्वपूर्ण पत्र रखे हुए थे और विजिटिंग कार्ड्स वगैरह रखे हुए थे. मतलब कि बहुत सारे कार्ड होते हैं ना, EPI वाला, वीज़ा वगैरह, ऐसा कुछ कार्ड होते हैं. तो वो उसको पाया तो उस बच्चे ने डिसाइड किया कि मुझे घर वापस जाना चाहिए और जिसका पर्स है उसको वापस करने के लिए उसे ढूंढना चाहिए. जब वह अपने घर आया और अपनी माँ को ये सारी चीज़ों के बारे में बताया, तब उसकी माँ ने उसके लिए कहा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सच्ची नीति है. उसकी माँ ने उसे कहा कि ईमानदारी सच्ची नीति है. तो यहाँ ईमानदारी होने का कुछ कुछ पैराग्राफ दे दे करके यहाँ पर समझाया है. इसका मतलब आई होप यहाँ पर समझ रहे होंगे कि आपको प्रोवर्ब का यूज़ कैसे करना है. प्रोवर्ब क्या होते हैं, एक शिक्षाप्रद कहावत होते हैं, लोकोक्ति होते हैं जो हमें जीवन की बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा सिखाते हैं. आई होप आपको इतना समझ में आया होगा. चलिए देखते हैं नेक्स्ट. नेक्स्ट है सी नंबर, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंसेस. मतलब कि आपको हमको सही स्थिति में बैठने वाले शब्दों को इन कोष्टक में से ढूंढना है और उसको यहाँ पर से सेंटेंस कंप्लीट करना है. फर्स्ट है, अब्दुल कलाम इज एन अचीवमेंट व्यक्ति थे या इंस्पिरेशन व्यक्ति थे, तो प्रेरणादायक व्यक्ति थे. इंस्पिरेशन टू यंग पीपल, युवा व्यक्तियों को प्रेरित करने वाले व्यक्ति थे APJ अब्दुल कलाम. सेकंड है, टीचर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चिल्ड्रंस इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट फोर्सिंग या शेपिंग. तो यदि टीचर बच्चों को कुछ पढ़ाते वगैरह हैं, पढ़ाते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें उनको बताते हैं, तो उनको फोर्स करके वो बताते हैं कि शेपिंग करके, मतलब सहानुभूति से अच्छे से बताते हैं, अच्छे से अच्छा व्यवहार करके बताते हैं, तो फोर्स करके उनको बताना चाहिए शेपिंग करके. तो यहाँ पास शेपिंग करके बताना चाहिए, टीचरों का ये गुण होता है. तीसरा है, द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अलॉट ऑफ साइंटिस्ट एम्प्लॉयज या अरेस्टेड. तो यहाँ पास डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च सुरक्षा विकास संगठन का संगठन क्यों बनाया गया, इम्प्लॉयज अलॉट ऑफ साइंटिस्ट के लिए, साइंटिस्ट इम्प्लॉयज के लिए बनाया गया है, अरेस्टेस के लिए नहीं, साइंटिस्ट इम्प्लॉयज के लिए बनाया गया है. चौथा है, कलाम बिलीव्स दैट चिल्ड्रन विल हेल्प बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन. कलाम जी का विश्वास है कि बच्चे ही राष्ट्र को सक्षम बनाने में मदद करेंगे, राष्ट्र को सक्षम उन्नत बनाने में मदद करेंगे. सिटीजन या बिल सिटीजन नहीं, बच्चे हमारे देश के भविष्य होते हैं. पांचवा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू डेवलप दियर ब्रेन्स पर्सनैलिटीज एंड ब्रेन्स. तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए पर्सनालिटी डेवलप करना या ब्रेन डेवलप करना. जब बच्चों की ब्रेन माइंड मस्तिष्क डेवलप हो जाएगी, विकसित हो जाएगी, तो पर्सनालिटी अपने आप वो लोग डेवलप कर लेंगे. तो इतना समझ में आया, ये खाली स्थान था जिसको भरना था. नेक्स्ट देखते हैं, हमर सेक्शन, चूज द आंसर फ्रॉम द बॉक्स गिवेन बिलो एंड आंसर एज गिवेन इन द एग्जाम्पल. वर्क इन पेयर, जोड़ी बनाइए, अपने ग्रुप समूह में जोड़ी बनाइए और जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उनका आप उत्तर लिखना है. देख तो समझते हैं कैसा एग्जाम्पल, उसके बाद हम लोग समझते हैं. व्हाट विल यू डू फॉर द सोसाइटी व्हेन यू ग्रो अप.
आप अपने समाज के लिए, सोसाइटी समाज के लिए क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू, क्या करेंगे व्हेन यू ग्रो अप, जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप अपने समाज के लिए क्या करेंगे? तो यहाँ आंसर है आई विल टेक केयर ऑफ ओल्ड पीपल, मैं वृद्ध लोगों की टेक केयर, देखभाल करूँगा। ये जैसा कि आंसर दिया गया, आई विल टेक केयर ऑफ ओल्ड पीपल। अब हम ऐसे ही यही यही क्वेश्चन पूछेंगे और उसमें अलग अलग अपने विचार वाले आंसर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आई विल हमें लगा करके, उसके बाद फिर आई विल लगा करके, उसके बाद जो ये डिब्बे में लिखे गए जितने भी सेंटेंस हैं उनको हमें जोड़ करके आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ फर्स्ट है व्हाट विल यू डू फॉर द सोसाइटी व्हेन यू ग्रो अप, आप अपने सोसाइटी के लिए क्या करेंगे व्हेन यू ग्रो अप, जब आप बड़े हो जाएंगे। तो आंसर है आई विल टेक केयर ऑफ ओल्ड पीपल, मैं वृद्ध लोगों की देखभाल करूँगा। आई विल टेक केयर, मैं देखभाल करूँगा ऑफ ओल्ड पीपल, वृद्ध लोगों की देखभाल करूँगा। ये फर्स्ट हुआ। सेकंड, व्हाट विल यू डू फॉर द सोसाइटी व्हेन यू ग्रो अप, आप अपने सोसाइटी समाज के लिए क्या करेंगे जब आप बड़े हो जाएंगे। आंसर है आई विल टुक आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रन, मैं छोटे बच्चों की देखभाल करूंगा। तो ये सेकेंड आंसर हुआ। इस प्रकार से बहुत सारे आंसर दे सकते हैं। तीसरा, व्हाट विल यू डू फॉर द सोसाइटी व्हेन यू ग्रो अप, आप अपने सोसाइटी समाज के लिए क्या करेंगे जब आप बड़े हो जाएंगे। आंसर है आई विल हेल्प द नीडी पर्सन, मैं ज़रूरतमंदों की मदद करूँगा। चौथा है व्हाट विल यू डू फॉर द सोसाइटी व्हेन यू ग्रो अप, आप अपनी सोसाइटी के लिए क्या करेंगे जब आप बड़े हो जाएंगे। तो आंसर है आई विल ट्राई टू इस्टेब्लिश पीस, मैं शांति स्थापित करने की कोशिश करूँगा। तो समझ में आ रहा है ना क्या करने की कोशिश की जा रही, क्या कहने की कोशिश की जा रही है? एकदम सिंपल शब्दों में समझ में आ रहा होगा। पांचवा, व्हाट विल यू डू योर डू फॉर द सोसाइटी व्हेन यू ग्रो अप, आप अपनी सोसाइटी के लिए क्या करेंगे जब आप बड़े हो जाएंगे। तो आई विल वर्क फॉर गर्ल्स एजुकेशन, मैं लड़कियों की शिक्षा के लिए प्रयास करूँगा, काम करूँगा। छठवा है व्हाट विल यू डू फॉर द सोसाइटी व्हेन यू ग्रो अप, आप अपने सोसाइटी के लिए क्या करेंगे जब आप बड़े हो जाएंगे। तो आई विल ट्राई टू अनलिफ्ट द पुअर, मैं गरीबों की मदद करूंगा या गरीबों की हेल्प करूंगा, सहायता करूंगा, रहने के लिए मदद करूंगा, उनके जीवन को ऊपर उठाने के लिए मदद करूंगा, गरीबों की जीवन को उठाने के लिए मदद करूंगा। व्हाट विल यू डू फॉर द सोसाइटी व्हेन यू ग्रो अप, आप अपने सोसाइटी के लिए क्या करेंगे जब आप बड़े हो जाएंगे। आंसर है आई विल इनकरेज पीपल टू कीप दिस इन्वायरमेंट क्लीन, मैं अपने यहाँ के लोगों को इनकरेज करूँगा, प्रोत्साहित करूँगा इन्वायरमेंट, पर्यावरण को क्लीन साफ, इस पर्यावरण को साफ क्लीन रखने के लिए उनको मैं इनकरेज करूँगा, प्रोत्साहित करूँगा। आठवा, व्हाट विल यू डू फॉर द सोसाइटी व्हेन यू ग्रो अप, आप अपने सोसाइटी समाज के लिए क्या करेंगे जब आप बड़े हो जाएंगे। तो आंसर है आई विल वर्क फॉर रिमूविंग बैड ट्रेडिशन, मैं रूढ़िवादी परंपरा को रूढ़िवादी परंपरा को रिमूविंग हटाने के लिए काम करूँगा, रूढ़िवादी परंपरा को नष्ट करने का, उसको हटाने के लिए, समाज से उन बुराइयों को हटाने के लिए काम करूँगा। नौवा है व्हाट विल यू डू फॉर द सोसाइटी व्हेन यू ग्रो अप, आप अपने समाज के लिए क्या करेंगे जब आप बड़े हो जाएंगे। आंसर है आई विल वर्क फॉर रिमूविंग सुपरिशेशन, तो मैं
ये सुपर इज उच्च सोच, बहुत ज्यादा उच्च सोच जो होता है लोगों की, उत्तम ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही ज्यादा अपने आप को अजीब टाइप की सोच के रखते हैं। उन व्यक्तियों की उस सोच को हटाने में काम करूंगा। 10वां है, व्हाट विल यू डू फॉर द सोसाइटी व्हेन यू ग्रो अप। आप अपनी सोसाइटी के लिए क्या करेंगे जब आप बड़े हो जाएंगे। आई विल ट्राई टू स्टॉप चाइल्ड मैरिजिंग, मैं बाल विवाह को रोकने का प्रयास करूंगा। 11th है, व्हाट विल डू यू व्हाट विल यू डू फॉर द सोसाइटी व्हेन यू ग्रो अप। आप अपने समाज के लिए क्या करेंगे जब आप बड़े हो जाएंगे। तो आंसर है, आई विल रेज अवेयरनेस टू सेव वाटर, मैं पानी को बचाने के लिए अवेयरनेस जागरूकता फैलाऊंगा, जागरूकता बढ़ाने की कोशिश करूंगा। एंड लास्ट है, व्हाट विल यू डू फॉर द सोसाइटी व्हेन यू ग्रो अप। जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप अपनी सोसाइटी के लिए क्या करेंगे। आंसर है, आई विल इनकरेज पीपल टू प्लांट मोर ट्रीज, मैं अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए लोगों को इनकरेज करूंगा, प्रोत्साहित करूंगा। तो यहाँ पास हम लोगों ने देखे बहुत सारे चीज़ें, हम लोगों ने इस पाठ से, इस एक्सरसाइज से हम लोगों ने सीखे ना बहुत सारे नैतिक चीज़ें, जो अच्छा कार्य होना चाहिए एक अच्छे समाज को बनाने के लिए, उस चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पास इस वीडियो में सीखा। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को भी बहुत सीख नॉलेज मिली होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलती रहें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट न्यू लेसन वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।